Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसे गीत से देश के दिल पर राज करने वाले इस भारत रत्न की आवाज को किसने भैंस की आवाज से कंपेयर किया था और फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। पंडित भीमसेन जोशी का संगीत के लिए जोश बहुत छोटी उम्र से ही दिखने लगा था। छोटे भीमसेन म्यूजिक को इतना चाहते थे कि भले शादी का बैंड हो या कोई ऑर्केस्ट्रा, उन्हें जहां कहीं गाना सुनाई देता वो उसके पीछे लग जाते थे। कई बार तो वो मीलों तक बैंड का पीछा करते और थक जाने पर जहां भी जगह मिलती वहीं पर सो जाते थे। उनके पिता जो कि एक टीचर थे, उन्हें लगता था कि भीम कहीं खो गया है। दो बार तो उन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट करवा दी, लेकिन फिर पता चला कि भीम असल दुनिया में नहीं बल्कि संगीत की दुनिया में खो जाता है। उन्होंने इसका उपाय निकाला और छोटे भीमसेन के हर कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी करवा दी, जोशी मास्टरारा मगा, मतलब मास्टर जोशी का लड़का, ताकि कहीं भी भीम किसी को भी सोता हुआ मिले तो वो सज्जन उसे उसके घर पहुंचा दे। भीमसेन का परिवार भी काफी बड़ा था। उनके 16 भाई बहन थे। उनकी माँ का निधन हो गया था और उनकी सौतेली माँ परिवार की देखभाल करती थी। इतने सारे भाई बहन होने के बाद भी भीम को अपना असली दोस्त म्यूजिक एक पास के ग्रामोफोन की दुकान में मिला। उस दुकान के मालिक अक्सर ग्राहक रिझाने के लिए ग्रामोफोन बजा दिया करते थे। चाहे ग्राहक आए ना आए, लेकिन हर दिन स्कूल से लौटते वक्त छोटे भीमसेन उस दुकान पर खड़े होकर गाने सुना करते थे। इसी बीच एक दिन भीमसेन जी ने उस्ताद अब्दुल करीम खान की प्रसिद्ध ठुमरी पिया बिना नहीं आवत चैन सुनी। ये ठुमरी उन पर इतना गहरा असर कर गई कि वो अब हर दिन ग्रामोफोन वाले अंकल से रिक्वेस्ट करते और वही ठुमरी बार बार सुनते। 11 साल की उम्र में भीमसेन जी घरेलू अनबन की वजह से घर छोड़कर भाग गए। उन्हें पता था कि उनकी मंजिल संगीत है, लेकिन उसका रास्ता क्या है ये उन्हें मालूम नहीं था। इसके बाद उन्होंने काफी स्ट्रगल किया। कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोते तो कभी मांग मांग कर खाना खाते। इसी दौरान जाने माने बंगाली एक्टर सिंगर पहाड़ी सान्याल के घर वो हाउस हेल्प की तरह लग गए। क्योंकि सान्याल जी फिल्म लाइन से थे, भीमसेन जी ने उन्हें अपना गाना सुनाने की बहुत कोशिश की, पर उस वक्त भीमसेन जी की वो उम्र थी जब उनका गला पका नहीं था और सान्याल जी ने उन्हें ये कह दिया कि उनकी आवाज भैंस जैसी है। इतना सब कुछ इतनी छोटी सी ही उम्र में झेलने के बाद कोई भी इंसान अपनी उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन भीमसेन जी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्हें समझ आया कि उन्हें एक मेंटोर की जरूरत है। कुछ साल ऐसे ही बिताने के बाद वो पंडित सवाई गंधर्व जी से मिले, जो कि कोइंसिडेंटली उसी गायक के शागिर्द थे जिनका गाना सुनकर भीमसेन जी ने गाने का मन बनाया था। वो भीमसेन जी को मिले और उन्हें अपना शिष्य बनाने को राजी हो गए। पंडित जी ने उन्हें किराना घराने की कुछ सीक्रेट वोकल टेक्निक सिखाई जो उनकी गायकी की खासियत बनी। तोड़ी, मुल्तानी और पुरिया जैसे राग सीखकर उन्होंने गायकी को और निखारा। थोड़ा सा मार्गदर्शन और भरपूर जज्बा लिए भीमसेन जी ने 1942 में 20 साल की उम्र में ही अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग खत्म कर ली। लेकिन संगीत जगत में नाम बनाते बनाते 18 साल और बीत गए। फिर छोटे छोटे कॉन्सर्ट करके उन्होंने प्रोफेशनल गायकी की शुरुआत की। ऐसे ही एक कॉन्सर्ट में भीमसेन जी ने ऑडियंस में पहाड़ी सान्याल जी को देखा और शो के बाद उनसे पूछा कि क्या वो उन्हें पहचान पाए। सान्याल जी ने ना करते हुए सर हिलाया और फिर भीमसेन जी ने उन्हें बताया कि वो वही हैं जिनकी आवाज एक समय भैंस जैसी थी। अब पंडित जी का करियर बुलंदियां छू चुका था
उनके कॉन्सर्ट्स दुनिया में फेमस हो रहे थे। वो पहले इंडियन गायक बने जिनके पोस्टर्स न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स में लगे। जो बच्चा बचपन में खो जाता था, अब उसे देश विदेश में हर कोई पहचानता था। भीमसेन जी ने तब सबके दिलों पर कब्जा कर लिया जब 90s के दशक में उन्होंने मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसा गाना देकर पूरे हिंदुस्तान को एक परिवार में बदल दिया। उनकी अचीवमेंट्स और अवार्ड्स की गिनती इतनी है कि लिस्ट खत्म ही ना हो। लेकिन उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि उन्होंने इंडियन म्यूजिक को विश्व भर में एक सेंसेशन बना दिया। 2009 में भारत सरकार ने उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया और पंडित जी को म्यूजिक के पन्नों के साथ साथ इतिहास के पन्नों में भी अंकित कर दिया।